अभी ले रहा सर और यू तेल निकाल रहा हूँ और कोई बाइक निकली छोड़ में त्रेस उतर हम एक भी बाइक खड़ा है जनाब छोड़ में रहते हो तो पांच सौ बताइए जनाब सतीश तो उधर ही उसके बाइक खड़ा है यार कमाल हो गया तेल काटा था तेल काटा था तुम यार मोटरसाइकिल आना इसने जी ये हर रोज मोटरसाइकिल आगे चोरी होते हैं या फिर बस स्टैंड या फिर फुटे हुए किसान यार इसको बंद ऐसा मैं कैमरा वाले इस समय गल रहूंगी जरूरी है सर क्या बताएंगे आज क्या ये घटना हुई है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह बस स्टैंड टोहाना सफाई कर्मचारी हूँ। तो आज सुबह जैसे ही हमारे कर्मचारियों ने पता लगा कोई है ना बाइक चोर तेल निकाल रहा था और अपनी बाइक बाहर खड़ी करके आया हुआ था वो, तो कर्मचारियों जैसे उसको देखा उसे तुरंत प्रभाव से उन्हें पकड़ा जी और पकड़ के हमारे अधिकारियों को वहाँ सौंप दिया। तो हमारे छोटे भाई कुलदीप ने 112 पे डायल किया और 112 वाले जल्द ही वहाँ पहुँच गए जी। तो उससे पुलिस ने एक चाबी लेके मेरे से दी और मैंने बाइक 96 ये वर्कशॉप के अंदर कर दी और ये हमारे साथ आज नहीं कई बार तेल का चुराना कई बार हो चुका है। हो सकता है ये बाइक चोर भी हो या तेल निकालता हो, इसकी सरकार गहनता से पूछताछ की जाए और पूरी सख्त कार्रवाई की जाए। तो पहले भी ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है सर, वर्कशॉप में हमारी बस ये क्या नाम है बाइक के कई बार चोरी होगी और तेल कई बार निकल चुका, ड्राइवर कई बार बाइक कहते हैं कि भाई हमारा तेल निकल गया, एक दूसरे पे हम आपस में वो करते हैं भी कभी इसने कर लिया इसने कर लिया, लेकिन पता तो आज चला ना ऐसा कई बार होने के बाद आज चोर मिला हमारे को जी। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों पे है ना बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जी। दलवीर सिंह, तो क्या मामला हुआ आज? मामला ये था जी, वर्कशॉप में अपने मोटरसाइकिल खड़े होते स्टाफ के, तो उसमें अक्सर एक दो मोटरसाइकिल पहले चोरी हो लिया जी। आज एक वहाँ तेल निकालता हुआ आदमी पकड़ा तो उसको 112 वाले आए और लेकर गए, उसको पहले भी चोरी हो गई है तेल निकला ही हेतरिया, ये कई बार घटना बनी जी। तो क्या चाहते हैं आप कि इसकी कार्रवाई हो जाए जी, जो पता लग जाए किसी आगे इसे काम नहीं हुआ, हम ये चाहते हैं। पहले भी हो चुकी है ऐसी पहले घटना हो चुकी जी, मोटरसाइकिल उठ ली दो मोटरसाइकिल स्टाफ के उठ ली सर यहाँ से। तो यहाँ कोई सुरक्षा का पुलिस के द्वारा प्रबंध किया हुआ है यहाँ? हाँ, पुलिस तो 112 नंबर खड़ी थी जी यहाँ गाड़ी, उनको बोल दिया फिर वो आके ले गई इसको। नहीं कोई सुरक्षा का प्रबंध है कोई पुलिस? सुरक्षा तो ड्यूटी तो है जी, लगा रखी है ड्यूटी, तो कर्मचारियों की है, वो इधर घूमते रहते हैं। ये भी तो वर्कशॉप में जाके चपतनियाँ अंदर बढ़ गया जी, पता चल गया ना कि वो तो वहाँ यार्ड मास्टर भी है जी गेट पे, चौकीदार भी है, फिर उनको देख लिया अपने चौकीदार ने भाई वो क्या कर रहे हैं, वो तेल निकाल रहा था उसमें, फिर वो पकड़ लिया, मौके पकड़ लिया, वो साथ में निकाल लिया, वो तेल भी साथ दे दिया, बोतल भर लिया था वो भी साथ दे दिया, वो ले गए पुलिस वाले। तो पुलिस द्वारा कोई बस स्टैंड में सुरक्षा के प्रबंध किए हुए हैं, कोई पुलिस यहाँ तैनात रहती है या नहीं रहती? पुलिस तो जी जब फ़ोन करते हैं जब आती है, नहीं तैनात रही है, 112 फ़ोन करते हैं जब आ जाती है, 112 वाले तकरीबन खड़े भी रहते हैं जी, दिन में 3-4 बार राउंड मारते हैं।